इस लेसन में हम फॉन्ट और टाइप सेटिंग देखेंगे कि जो फोटोशॉप का टेक्स्ट टूल है उसे हम कैसे एक अच्छी टाइपोग्राफी जनरेट कर सकते हैं। एक नई फाइल मैंने खोली है फॉन्ट सेटिंग के नाम से, और ये टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया मैंने। ये देखें, टॉप पे आपको उसी तरह ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। ओपन सेंस रेगुलर, ये इस वक्त फॉन्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, और रेगुलर इसका स्टाइल है। ये देखें, यहाँ पे राइट क्लिक करें, इस पर क्लिक करें तो ये आपको इसके स्टाइल्स नज़र आ जाएंगे, कौन कौन से स्टाइल्स हैं। यहाँ पे इसका साइज़ है, 15 पॉइंट्स है, ये पिक्सल्स है। उसके बाद ये रेंडरिंग ऑप्शंस हैं कि ये शार्प रेंडर होगा, क्रिस्प रेंडर होगा, स्ट्रॉन्ग या स्मूथ इसको रेंडरिंग करनी है, किस तरह का ये नज़र आए। उसके बाद ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट राइट और मिडल मिडल, ये इसका कलर है, कलर हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल ये मैंने कलर पे क्लिक किया और अभी यही कलर रहने देते हैं। और यहाँ पे आप अब ड्रैग करें, क्लिक करके ड्रैग करें तो ये एक पैराग्राफ क्रिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे दिस इज़ माय हेडिंग, मेन हेडिंग। अभी ये फ़िलहाल मैं हेडिंग बनाने लगा हूँ। इसको मैंने लेफ़्ट अलाइन किया, वो राइट अलाइन अलाइनमेंट हुई हुई थी इसलिए वो राइट साइड पर चला गया था पैराग्राफ के। साइज़ इसका मैंने 48 पॉइंट कर दिया। तो अब ये देखें, इस वक्त ये आपको हेडिंग एक नज़र आ रही है। उसके बाद इसकी मोर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप यहाँ पे करेक्टर पैनल जो राइट साइड पे है ना, जिसे मैंने अभी क्लिक किया है, यहाँ पे आपको नज़र आएगी। जैसे ये अंडरलाइन हुआ हुआ है और ये सारी इसमें ऑप्शंस हैं। ये देखें, इस पर क्लिक करूँगा तो ये अंडरलाइन इसकी ख़त्म हो गई है। उसके बाद ये इसकी लेडिंग है, या इसको कहेंगे लाइन स्पेसिंग। अगर अभी तो ये सिंगल लाइन है, अगर ये ज़्यादा लाइन्स होती तो इनका गैप आपस में बढ़ना था। उसके बाद ये है आपकी लेटर स्पेसिंग या ट्रैकिंग इसको कहते हैं। ये देखें, ज़्यादा कर रहा हूँ तो जो लेटर्स हैं सिंगल उनके अंदर जो आपस में स्पेस है वो ज़्यादा होती जाती है। नॉर्मली जो हेडिंग्स हैं उनके लिए जो है वो हम स्पेसिंग जो है वो कम रखते हैं। ये देखें, ये अंडरलाइन और नीचे से ऑप्शंस में सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये उससे चेंज हो रही है। ये वही रेंडरिंग ऑप्शंस हैं जो ऊपर हमें नज़र आ रही थी, यहाँ से भी ये सिलेक्ट हो सकती हैं। उसके बाद मैंने ये क्लिक किया और इसकी जो सेटिंग्स थी वो सारी एक्सेप्ट हो गई हैं। उसके बाद दोबारा मैं एक पैराग्राफ बनाने लगा हूँ, ये फिर मैंने क्लिक करके ड्रैग किया। इस दफ़ा हम थोड़ा बड़ा एरिया बनाएंगे, एरिया कवर करेंगे ताकि, और ये फॉन्ट साइज़ मैंने 424 कर दिया क्योंकि इस दफ़ा हम छोटा रखेंगे। लेयर पे टाइप पे क्लिक करें और पेस्ट लॉरेम इप्सम। लॉरेम इप्सम जो है वो एक सैम्पल टेक्स्ट है जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, डमी टेक्स्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद ये मैं अब यहाँ से देखें, फॉन्ट मैंने स्टाइल चेंज कर दिया, इसको लाइट कर दिया है ताकि ये हमारा थोड़ी वैरायटी पैदा हो हेडिंग और जो आपका हेडिंग और पैराग्राफ टेक्स्ट है। ये कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और डिफरेंशिएट हो जाए। उसके बाद ये उसके बाद अब हम ऐसा करते हैं कि इसके जो फॉन्ट की जो फॉन्ट है इसका वही हम चेंज कर लेते हैं। जैसे ये नोटो सेंस मैंने सेलेक्ट किया है और मैंने ये नोटो सेंस इस पर सेलेक्ट कर लिया है। इस वक्त ये इसकी ये जो लेटर स्पेसिंग थी वो मैंने कम की है, 0 की है, -50 में गई हुई थी, मतलब काफ़ी क्लोज थे लेटर्स। इसकी भी मैं ख़त्म करने लगा हूँ, इसकी 25, ये देखें ये बढ़ा दी है मैंने, अब 0 पे ले आया हूँ। इसकी नॉर्मल जो सेटिंग है इसके फॉन्ट की, उस पर ले आया हूँ। तो अगर आप यहाँ से इसका, आप ये देखें, थोड़ा सा मैंने बोल्ड कर दिया है ताकि हेडिंग जो है वो ज़रा उस पर नज़र ज़्यादा जाए, ध्यान ज़्यादा जाए क्योंकि ये हेडिंग है। तो फ़िलहाल ये देखें, अब आपका ये नीचे वाला पैराग्राफ है और इसकी ये सेटिंग्स अगर पैराग्राफ की आपने करनी है, ये देखें, अगर मैं सॉरी ये सिलेक्ट दूसरा हुआ है, अब ये सिलेक्ट हुआ है। ये देखें, अगर मैं इसको लेफ़्ट से इसको थोड़ी सी इसकी इंडेंटेशन करना चाह रहा हूँ, आगे करना चाह रहा हूँ, तो वो इस इधर से कंट्रोल होगा। उसके बाद आपको याद रहे कि पैराग्राफ के अंदर जो है आपने ये हाइफनेट जो है ना इसको अनचेक कर देना है, क्योंकि जब हम वेब पे करते हैं काम तो वेबसाइट्स में हाइफनेट नहीं हो सकता, उसमें टेक्स्ट हाइफनेशन के बगैर होता है। ये दो चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम हमें आती है वो आती है जब हम अलाइनमेंट करते हैं। ये देखें, ये दो तरह की टाइप, एक पॉइंट टेक्स्ट है और एक आपका पैराग्राफ टेक्स्ट है। पॉइंट टेक्स्ट पे देखें, ये सिर्फ जितना टेक्स्ट है उधर तक ही हमारा जो उसकी बाउंड्री है वो वहीं तक आती है। अब ये पैराग्राफ में सेट करूँगा तो इस पे देखें, डबल क्लिक करें तो ये देखें इसका बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है। छोटा करूँगा तो ये टेक्स्ट हाइड हो जाएगा, बड़ा करूँगा तो नज़र आएगा।
ये देखें, ये नॉर्मली पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है, हेडिंग्स वगैरह के लिए, और अलाइनमेंट में देखें प्रॉब्लम आएगी हमें। ये मैं अलाइन कर रहा हूँ, देखें इसके मिडल में नहीं जा रहा, टॉप पे से भी ये देखें, अब ये टॉप पे किया लेकिन वो उसके टॉप पे नहीं गया, तो ये प्रॉब्लम होती है जब हम उसकी अलाइनमेंट करते हैं। अगर ये यही हम जो है वो पॉइंट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर ये जो है ना अलाइनमेंट इसकी सही ठीक हो जाएगी। तो ये देखें, इसको पॉइंट क्लिक में टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, और इसको सॉरी ये सिलेक्ट हो गया था, अब अलाइनमेंट इसकी करते हैं। अब ये देखें, ये अब ये देखें, ये बिल्कुल सही मिडल में आया, पहले ये बिल्कुल मिडल में नहीं था आ रहा, पहले मतलब लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा जा रहा था। अगर आपको ये मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट पर विज़िट करें learnuxid.com, और सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए, ताकि आपको जो नई नई अपडेट्स हैं, नए न्यू कोर्सेज के बारे में, एंड्रॉयड एंड्रॉयड और iOS UI और हाउ टू डबल योर फ्रीलांस रेट, ये मेरे नेक्स्ट कोर्सेज़ हैं, तो इनकी अपडेट्स हासिल करने के लिए जो है वो सब्सक्राइब करवाएं, और मेरे यूट्यूब का चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए। थैंक यू।